Welcome to the sixth episode of Think About It. सोचो जरा का इस इंस्पिरेशनल सीरीज में हम अपने सोच के उन गलियों को पुनः विजिट कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम किस तरह सोचते हैं, हमारा नजरिया किस तरह का है। विलियम जेम्स कहता है कि मेनी पीपल थिंक दैट दे आर थिंकिंग वेयर दे आर मियरली रीअरेंजिंग देयर प्रेजुडिसेस। विलियम जेम्स का कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को लगता है कि वो सोच रहे हैं, लेकिन कई लोग अपने पूर्व धारणाओं को सिर्फ रीअरेंज कर रहा होता है। इस एपिसोड में एक न्यू रिक्रूट ने एक ग्रेट वैरियर से पूछा, हाउ टू बी स्ट्रांग एंड विदस्टैंड चैलेंजेस। हम हिम्मत और मजबूती के साथ टिके कैसे रहे और सारे चुनौतियों का सामना कैसे करें। दिस ग्रेट वैरियर टोल्ड हिम दैट बी लाइक ए बैम्बू ट्री, एक बांस की पेड़ की तरह बनिए। रिमेंबर फ्लेक्सिबिलिटी प्रिवेल्स नॉट रिजिडिटी, लचीलापन आपको जिंदा रखते हैं, अड़ियलपन आपका मौत का कारण बन सकता है। वैरे ने कहा, मजबूत से मजबूत पेड़ भी इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं, तो उनका पतन का कारण उनका मजबूत ना होना नहीं है, उनका अड़ियलपन। अ टेम्पररी लॉस कैन लीड यू टू अ लॉन्ग टर्म गेन। क्या मैं और आप बैम्बू ट्रीज हैं? डू वी बिलीव इन फ्लेक्सिबिलिटी और डू वी बिलीव इन रिजिडिटी इन लाइफ? थिंक अबाउट इट, सोचो जरा, काफी गहरा है, काफी इनडेप्थ सोच है। अगले बार जब हम मिलेंगे कुछ इसी तरह का दिलचस्प वाक्य लेकर फिर मैं आपके सामने पेश होगा। तब तक जो आज हमने चर्चा किया इसके बारे में जरूर गहराई के साथ सोचो जरा। गुड बाय, सी यू अगेन।